हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंसाइज बुक का चैप्टर फैक्टराइजेशन का फर्स्ट एग्जांपल कराने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे उसके थ्री पार्ट्स हैं। अगेन हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो मैंने आप लोगों को क्लासरूम में बता रखा था कि फैक्टराइजेशन मैं जब भी करूंगा मैं सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे फॉर्म को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद उस फॉर्म को यूज करके मैं उसको फैक्टराइज करूंगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें हमारे पास कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है, राइट। दो टर्म है, वन और वन टू। अगर आपके पास दो टर्म होंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन करा दे रहा हूं। वी हैव थ्री मैथड्स, कॉमन लेंगे या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी या ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बनेगी। ठीक है, इनमें से कोई एक ही लगेगा, हो सकता है कॉमन से ही सिर्फ सॉल्व हो जाए या फिर कॉमन के साथ ये दोनों फॉर्म भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो टर्म है, सबसे पहले आप कैसा भी क्वेश्चन हो टू टर्म्स में सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे। कॉमन आ रहा है 8 और 12 में से कॉमन आ गया 4, ए और ए स्क्वायर में से कॉमन आ गया ए, बी स्क्वायर बी में से कॉमन आ गया बी, कॉमन आ गया 4ab, 8 में से 4 कॉमन आया क्या बचा 2, ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन आ गया बी बचा, राइट। प्लस 12 में से 4 कॉमन आया 3, ए स्क्वायर है ए कॉमन आ गया क्या बचा ए, बी बी कॉमन आ गया। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद आपको हमेशा चेक करना है जो आपका ब्रैकेट वाला टर्म है क्या वो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या उसमें कोई फॉर्म लग रही है। अगर कोई फॉर्म लग रही है फैक्टराइजेशन की तो आप उस फॉर्म को लगाओगे, नहीं तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई भी दो टर्म की फॉर्म यहाँ पर नहीं लग रही, इसका मतलब ये ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज 4x plus y whole square minus 3x plus y, अगर आप चेक करिए कितने टर्म्स हैं, दो टर्म है। ठीक है, दो टर्म है तो सबसे पहले क्या होगा, कॉमन, कॉमन आ रहा है तो आप नोटिस करेंगे 4 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये कॉमन आ गया, x plus y कॉमन आ गया, x plus y कॉमन आ गया, क्या बचा 4, इधर क्या बचा x plus y minus 3। ठीक है, कॉमन लेना आपको आता है, x plus y कॉमन आ गया, यहाँ पर 4 x plus y के दो टर्म थे, x plus y बचा और माइनस 3 बचा, x plus y कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x plus 4y माइनस 3, उसके बाद आप चेक करेंगे क्या ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर ये लाइक टर्म्स होंगे तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर ये अनलाइक टर्म्स होंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन लर्न नहीं करना है, आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन यहां पर कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। ठीक है, दो टर्म है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉमन, कॉमन आ रहा है यहां पर x है, यहां पे y, यहां पे a माइनस 5 है, यहां पे 5 माइनस a है, नहीं आ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लग नहीं रही, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब की फॉर्म लग नहीं रही, फिर क्या सॉल्व करेंगे। तो नोटिस करिए इस ब्रैकेट वाले टर्म को, कुछ दिख रहा है, a माइनस 5, 5 माइनस है, मतलब सेम टर्म है लेकिन साइन अपोजिट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सेकेंड वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर कॉपी कर लेंगे और जो भी बाहर साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, एक्स ए माइनस 5 टेकिंग माइनस कॉमन वाई, जैसे आपने माइनस कॉमन लिया प्लस माइनस माइनस हो गया वाई लिखा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 5, होल में से कॉमन लेंगे आप ए माइनस 5 क्या बचा एक्स माइनस वाई, और ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यही आपका क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया। तो आपने यहां पे देखा कि कैसे हमने टू टर्म बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन जब हम करें तो ये फॉर्म भी आपको वहां पर मिल जाए। ठीक है, चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए।